अध्याय दो, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। रीमा ने सलमा से पूछा, किसी खंभे का एक चौथाई भाग नीले रंग में, एक तिहाई भाग लाल रंग में तथा खंभे का शेष 10 मीटर भाग काले रंग से रंगा हुआ है, खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी? सलमा ने कहा कि पिछली कक्षा में हमने एक चर के रैखिक समीकरण में सीखा है कि इस तरह की परिस्थिति में एक चर जो अज्ञात है का मान ज्ञात करने के लिए एक चर का समीकरण बनाया जाता है और फिर उसे हल करके चर यानी कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लिया जाता है। रीमा, अच्छा तो यहाँ हम खंभे की लंबाई कैसे जानेंगे? सलमा से जाने, खंभे की लंबाई को ज्ञात करने के लिए चलिए शुरुआत में हम खंभे की कुल लंबाई को x मीटर मान लेते हैं। खंभे की कुल लंबाई बराबर x मीटर। अब चूंकि खंभे का एक चौथाई भाग नीला है तब खंभे के नीले भाग की लंबाई होगी x बटे 4 मीटर, क्योंकि वह खंभे की कुल लंबाई का चौथाई भाग है तो इसलिए यह x बटे 4 मीटर। बिल्कुल इसी प्रकार खंभे के लाल भाग की लंबाई भी हम निकाल सकते हैं। खंभे के लाल भाग की जो लंबाई है वो कुल लंबाई का एक तिहाई है, इसलिए हम लिखेंगे इसे x बटे 3 मीटर। और खंभे का जो शेष भाग है, शेष काला भाग, वो हमें दिया गया है बराबर 10 मीटर। तो अब हम खंभे की कुल लंबाई को किस प्रकार लिखेंगे? खंभे की कुल लंबाई बराबर होगा नीले भाग की लंबाई धन लाल भाग की लंबाई और शेष काला भाग। इन सभी का योग करने से हमें खंभे की कुल लंबाई मिलेगी। तो हम इसे पहले शब्दों में लिख लेते हैं, नीले भाग की लंबाई धन लाल भाग की लंबाई धन काले भाग की लंबाई। चलिए अब इनका मान रख लेते हैं। खंभे की कुल लंबाई हमने कितनी ली है? x मीटर, ये हो गया x। नीले भाग की लंबाई x बटे 4 मीटर, तो इसके स्थान पर आ गया x बटे 4। धन लाल भाग की लंबाई x बटे 3 मीटर, ये हो गया x बटे 3। और काले भाग की लंबाई है 10 मीटर, तो ये हो गया 10। इस प्रकार हमें ये समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को हल करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे जिससे हमें खंभे की कुल लंबाई पता चल जाएगी। चलिए हल करते हैं इसे। x बराबर, देखिए आप इसे लिख सकते हैं x बटे 4 धन x बटे 3, और इसे लिखा जा सकता है 10 बटे 1। चलिए आगे देखते हैं। हमें मिलेगा x बराबर, लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा 12, और इसके हिसाब से हमें मिलेगा 3x धन 4x धन 120। तो एलसीएम लेने के बाद हमें यह प्राप्त होगा। और हल करते हैं, आगे हल करने पर यह हो गया 7x धन 120 बटे 12। आगे हल करते हैं, पक्षांतर करने पर 12x बराबर 7x धन 120। 12x के साथ हम 7x को हल कर सकते हैं, पक्षांतर पर यह आ जाएगा ऋण 7x और यहाँ बचेगा 120। पुनः 12x में से 7x घटेगा क्योंकि ये सजातीय पद है, तो हमें मिलेगा 5x बराबर 120
और यहाँ से हम x का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 120 बटे 5, यानी कि x का मान हो गया हमारे पास 24 मीटर। तो खंभे की कुल लंबाई हमें मिल गई है 24 मीटर। अब इस खंभे की कुल लंबाई से हम उसके नीले भाग की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं और उसके लाल भाग की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि खंभे का नीला भाग जो है x बटे 4 मीटर है। तो आप इसे क्या करेंगे, x का मान रख सकते हैं, x के स्थान पर 24 बटे 4 यानी कि 6 मीटर। बिल्कुल इसी प्रकार खंभे का लाल भाग, आप कहते हैं x बटे 3 मीटर, तो वो हो जाएगा x का मान फिर से 24 बटे 3 यानी कि 8 मीटर। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ।